हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा, आप देख रहे हैं रिया सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे ही मौसम डाउन हो जाती है, मानसून या ठंडी की मौसम आ जाती है, तो हमें फ्रिज में कई बार इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, जो कि यहाँ पर फ्रिजर के पास काफ़ी सारी बर्फ़ जम जाती है, जिसमें हम कई बार फ्रीजर की ढक्कन को खोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है और फ्रीजर में काफ़ी सारी बर्फ़ जम जाती है। तो चलिए देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो वायर जैसे निकली हुई है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर जो वायर जैसा तार जो निकला हुआ है, ये थर्मोस्टेट का सेंसर है, जो कि ये फ्रीजर में काफ़ी सारी बर्फ जब जमती है या इसके कूलिंग के हिसाब से टेम्परेचर को इसी सेंसर के द्वारा से ये टेम्परेचर कंट्रोलर कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो तार है फ्रीजर से अलग हो गई है, इसीलिए बराबर काम नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारी जो फ्रीजर है उसमें काफ़ी सारी बर्फ़ जम जाती। तो चलिए, इस सेंसर की जो तार है उसको हम फ्रीजर के पास चिपका कर लगा लेते हैं। ये जो तार अगर निकल गई हो तो इस तरह से फ्रीजर से चिपका कर इसको लगानी है। अगर आपकी फ्रीजर में ये जो तार है वो अगर लगी हुई है, तो यहाँ पर देखें जो कंट्रोलर का जो बटन है वो अगर फुल पे सेट है, तो इसको वापस हम डाउन करके कम से कम एक दो के बीच में ले आते हैं। ठंडी के मौसम में इतनी सेटिंग बिल्कुल बराबर होती है। तीसरी बात हम देखते हैं कि ये जो फ्रीजर के पास अगर वायर लगी है और टेम्परेचर कंट्रोलर यहाँ कम में होने के बाद भी अगर फ्रीजर में काफ़ी सारी बर्फ़ जम रही है, तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ये ख़राब हो गई है, इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी मिली हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।